मोदी सरकार इंडिया नेशनल कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी सोनिया गांधी साजिश की गई और अपने वर्कर को यहाँ पे बेच के जो सत्याग्रह किया जा रहा था उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है वो पूरी तरह से डर चुकी है, क्योंकि वो सत्याग्रह को दबाना चाहती है, लेकिन उनको ये नहीं पता ये कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह है, वो दबने वाला नहीं है। दिन वो दिन सत्याग्रह बढ़ेगा और जो जनता को देश को उन्होंने परेशान किया है उसके खिलाफ कांग्रेस अपनी आवाज दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ा के उठाएगी। ये मत कोशिश करें कि अपने चंद वर्करों को चंद चमचों को बेच के कांग्रेस के कार्यकर्ता को डराओगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं, उसका टेलर आपने कल दिल्ली में भी देख लिया। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की गई लेकिन वो दबे नहीं, इसलिए भाजपा सरकार होश में आ जाए। कठुआ के डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हेड ऑफिस कांग्रेस के हेड ऑफिस में एक अपना प्रदर्शन रखा हुआ था शांतिपूर्वक, और आज हमारा जहां पे प्रदर्शन रखने का मकसद था कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को बीजेपी जो ईडी के द्वारा परेशान कर रही है, तो उसके द्वारा हमने जहां पे प्रदर्शन रखा हुआ था, तो हम ये बात बता देना चाहते हैं कि जितना मर्जी चाहे बीजेपी जोर लगा ले, जितना चाहे उनको परेशान कर ले, लेकिन वो कभी भी सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगी और ईडी को इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2014 में उनको पहले भी ये फाइल खत्म बंद हो चुकी थी, ये केस खत्म हो चुका था, लेकिन बीजेपी सिर्फ उनको हमारे कांग्रेस के लीडरों को सताने के लिए डराने धमकाने के लिए इस तरह के कार्य कर रही है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के तमाम कार्यकर्ता तमाम लीडर श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, रात दिन हम लोग उनके साथ खड़े हैं, लेकिन कभी भी वो निराश नहीं होंगे, कभी भी वो पीछे नहीं हटेंगे, ये हम सब लोग उनके साथ हैं। पूरा हिंदुस्तान का युवा जिस तरह आप लोग देख लो कि इन लोगों ने दूध दही और अंतिम संस्कार पर जहाँ तक कि कब्रिस्तान में जब जनाजा लेकर निकलते हैं वहाँ भी इन लोगों ने GST लगा दिया है। आज देख लो जम्मू कश्मीर के जितने भी नौजवान हैं वो दर बदर हो रहे हैं, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जो भी इनकी जहाँ पे पोस्टें निकलती हैं वहाँ पे धांधलियाँ हो रही हैं, वहाँ पे रिश्वतखोरी हो रही है। इन्हीं लोगों के बॉडीगार्ड, इन्हीं लोगों के जो है इन्हीं लोगों के लीडर उसमें धांधलियाँ कर रहे हैं और रिश्वत खा रहे हैं नौजवान सड़कों पर। ये जो आज कठुआ में जो हमारा धरना प्रदर्शन हुआ है, जिसका ये जो सोनिया गांधी जी को ये कुछ हमारे साथी भी कह रहे हैं कि उनको बुलाया जा रहा है ईडी के दफ्तर,
उनको बुलाया नहीं जा रहा, उनको शमन किया जा रहा है। बुलाना और शमन करना अलग बात है। ये बेवजह जिस केस में उनके खिलाफ कोई FIR नहीं, ये तो ED को जो गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार, हर एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो CBI है, ED है। लेकिन ये जो सरकार है, ये जो मेन मुद्दे हैं उनके ओर से जो ध्यान भड़काने की बात है। आज देखो महंगाई कहाँ पहुँच गई है, बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है, हर आदमी परेशान है। जब उनसे ये चीज पूछने का वक्त आता है तो ये नए नए हथकंडे बनाते हैं। ये सोनिया गांधी जी को, पहले राहुल गांधी जी को बुलाया गया, अब सोनिया गांधी जी को आज भी उन्होंने बुलाया है, कल भी उनसे पूछताछ हुई। जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये परेशान करने वाली बात है। ये जो सरकार है ये मिसयूज कर रही है, ये ED हो या CBI हो, कोई भी एजेंसी हो, उसका दुरुपयोग कर रही है। ये लोगों को डरा रही है ताकि कोई आदमी सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, सोनिया गांधी राहुल गांधी डरने वाले नहीं है, वो अकेले नहीं है, करोड़ों कांग्रेसी उनके साथ हैं। हम बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय कांग्रेस, जिंदा। आज हम पुरामन संघर्ष कर रहे थे कि ED के खिलाफ और सोनिया गांधी जी के हक में, जो यहाँ पर ऐसा वातावरण बन गया। हम पुरामन जो संघर्ष कर रहे थे उसमें जो कांग्रेस के खिलाफ जो षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कांग्रेस जमात जो है वो चट्टान की तरह सोनिया गांधी के पीछे खड़ी है और राहुल गांधी की क्यादत में हम खड़े हैं। हम ये बता देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि ये कांग्रेस जमात है, जब तक आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को तंग करते रहेंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सिरतों पर उतर जाएंगे। ये सब जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की होगी। और हम ये कहना चाहते हैं, साफ लफ्ज में ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का वर्कर जो है वो मुद्दत है, और हर जगह हर कोने में हर ब्लॉक में हर मल्ले में हम ये प्रदर्शन जो है वो ले जाएंगे। अगर आपने ये ऐसे जो हथकंडे अपना रहे हो उसको अगर आपने ये वापस नहीं लिए तो हम यहाँ जगह जगह प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस के हक में आवाज बुलंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बेटी को डॉक्टरी की सीट दी गई, उसके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी कब होगी? ये बताएं कि बीजेपी की ने जितना भी गुप्त घोटाले किए हैं उनके खिलाफ ईडी की कब इंक्वायरी होगी? इनको बार बार अपने हवाले ही मिलते हैं ईडी के लगाने के लिए। मैं कहता हूँ सभी मुद्दों की जांच होनी चाहिए, बीजेपी के खिलाफ पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, बीजेपी के मिनिस्टर के खिलाफ ईडी की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये आम जनता को परेशान करते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि अपोजिशन ना हो, कि अपोजिशन को परेशान करने के लिए इन्होंने ईडी का सहारा लिया है। ऐसी गुंडागर्दी पब्लिक जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जब तक सड़कों पर रहेंगे, जब तक ये इंसाफ नहीं होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो गरीबों के हक के लिए हमेशा खड़ी और हमेशा खड़ी रहेगी। गया मोदी सरकार की जो गलत नीतियां हैं हिंदुस्तान के प्रति, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जहां पे प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। आज हम देश में देख रहे हैं त्राही मची हुई है, देश के अंदर युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई नीति उनके प्रति नहीं है। किसान जो है वो हमारा पिसता जा रहा है, महंगाई से हमारा मजदूर किसान जो है वो पिसता जा रहा है, आम आदमी का खाना बेहाल हो रहा है। इन्हीं गलत नीतियों के कारण आज जिला कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी मंगई टोकरा की अध्यक्षता में जहाँ पे प्रदर्शन किया गया, और जो ईडी का बहाना लेकर के बार बार सोनिया गांधी और उनके परिवार को तंग करने का प्रयास करते हैं, उसके विरोध में हम सभी लोग यहाँ पे एकजुट हुए। और हम जो मुल्क में जो भ्रष्टाचार है, जो आर्थिक दशा जो हमारी दिन दिन गिर रही है, और जो बेरोजगारी है, जो एफडीपी जैसे मसले जो सामने हैं, उनसे ध्यान बांटने के लिए आए दिन कभी राहुल जी को कभी सोनिया जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में उनकी अपना बुला लेते हैं। जो चीजें 2014 में खत्म हो चुकी हैं उसको बार बार उधेड़ने से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सत्य को परेशान करें। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस का हर सिपाही जो है वो सोनिया से के साथ खड़ा है और राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। हम उनके मनसूबों में कभी कामयाबी होगी और इस देश को हम मोदी मुक्त करेंगे।